तन तन बाबा आनंद सिंह जी महाराज पिंड बागे पाकिस्तान विखे विराजमान हन। पिंड तो बार बार दो तीन मील की विथ ते कुटिया बनाई हुई है अते पिंड विचों ड्यूटी संगत ने आपे ही लाई हुई है। वारी नाल कदे कोई प्रशादा लैके आउंदा है। प्रशादा सिर्फ एक वक्त दुपहरे 12:30 बजे आउंदा है क्योंकि बाबा जी ने भुख अते नींदर नूं तां जित्या होया। बड़ा थोड़ा खांदे सन अते थोड़ा ही सौंदे सन। बाबा जी आखदे सन कि इतना को भी असी इस वास्ते छकदे हाँ क्योंकि सतगुरु बाणी विच फरमाउंदे हन अन्न छोड़ै करै पखंड, इसलिए अन्न त्यागया नहीं घट कर दिता है। बागा पिंड दे रहन वाला सरदार ज्ञान सिंह जो कि चंगा रहीश आदमी सी, इस दी वारी आई प्रशादा लियाउण दी। ये पिंड विच चंगा मन्या परवन्या आदमी सी अते जदों भी इस दे घर किसे मेहमान ने आउणा तां इस नूं शौक सी कि ये सब्जी आप बनाया करदा सी अते सब्जी बड़ी स्वाद बनाउंदा सी। ऐसी स्वाद बनाउंदा सी कि खाण वाले दे मूंह नहीं सी लेंदी। अज इस दी प्रशादे दी वारी आई तां इसने अपनी आदत मुताबक आप सब्जी तैयार कीती। पर इस नूं इक आदत सी कि जदों सब्जी बनाउंदा तां खा के जरूर वेख लैंदा, फिर उस मुताबक लून मिर्च मसाला पाउंदा। इसे तरह ही इसने अज कीता ते प्रशादा तैयार करके कोड़ी ते चढ़ के बाबा जी दे पास पहुंचिया अते जाके खिड़की मूहरे सतनाम दा आवाजा दिता। बाबा जी अंदरों आए ते प्रशादे वाला डब्बा ज्ञान सिंह तो पकड़ के अंदर लै गए। ज्ञान सिंह बाहर खड़ा हो गया क्योंकि मर्यादा उदों ए सी कि जिहड़ा भी बंदा प्रशादा लैके आवे ओ वापस ना जावे जिन्ना चिर बाबा जी प्रशादा शक ना लैण अते बर्तन बाहर ना लियाउण। उतना चिर उत्थे खड़ो के उड़ीके ते बर्तन लैके ही वापस जावे। इसलिए ज्ञान सिंह बाहर खड़ोता रहा पर अज बहुता समा ना लगा। बाबा जी थोड़े समय विच ही बाहर आ गए ते आउंदे सार पुछण लगे, ज्ञान सिंह अज ये प्रशादा तू तैयार कीता सी? ज्ञान सिंह अज जदों ये प्रशादा धन गुरु नानक पातशाह अगे रखिया तां उन्होंने छकिया नहीं। कह लगे, नंद सिंह प्रशादा की छकीए, ये प्रशादा तां झूठा है। सच बोल ज्ञान सिंह, प्रशादा झूठा कीता सी? कह लगा, जी उंज तां झूठा नहीं कीता, सब्जी खा के जरूर देखी सी, लून मिर्च मसाला देखिया सी। कह लगे ज्ञान सिंह, गुरु नानक किते लून मिर्च मसाले देखता है? ये दुनियावी स्वाद तां ओह देखे जिसनूं नाम दा रस ना आया हो। जां को आयो एक रसा, जे कोई इन्हां रसां कसां विच फसिया है समझो उसनूं हजे वाहिगुरु दे नाम दा रस नहीं आया, ते जिसनूं वाहिगुरु दे नाम दा रस आ गया है वह इन्हां रसां विच खचत नहीं हुंदा। इसलिए ज्ञान सिंह, अज तो बाद तू प्रशादा लैके ना आया करे क्योंकि जिसनू इन्ना ख्याल नहीं कि मैं प्रशादा गुरु नानक वास्ते लेके जा रहा हाँ, किवें लेके जाना है, तो इस नालों का ना लेके आवे तो चंगा है। ज्ञान सिंह बाबा जी दे चरणा ते गिर पिया ते कहन लगा, बाबा जी मैनू एक बारी माफी दे, मेरे कोलों भुल हो गई है, कल फिर प्रशादा ले आवांगा तुहाडी मर्जी मुताबिक, हुण मैनू बख्श दिओ। महापुरख बड़े दयालु होंदे हन, इसलिए कहन लगे, चंगा ज्ञान सिंह अज भाई तैनू माफ कीता पर अगों ऐसी गलती नहीं करनी। सत वचन कह के ज्ञान सिंह वापस गया अते जानसर अपने खेत विच गया ते अपने नौकरां चाकरां नूं कहन लगा, मैं कणक वढणी है ते जिवें तुसीं मेरे कोलों हिस्सा लैंदे हो कि इतनी वढ ते इतना हिस्सा, इस तरह अज मैं करांगा।
वो कहन लगे महाराज तुसी मालक हो असी काम करदे हां तुसी क्यों खेचल करनी है। कहन लगे नहीं जो मेरा मालक है मैं उसनु खुश करना है ते ओ इंज ही खुश हुंदा है। ज्ञान सिंह ने आप कणक वड्डी अते जितना हिस्सा बनदा सी विचों लै लई ते आप उस दे विचों दाने कढ के ते हथी पीस के ते फिर बड़ी भावना सहत प्यार नाल प्रशादा तैयार कीता ते हुण जदों प्रशादा लेके जा रहा है तां कोड़ी ते चढ़ के नहीं पैदल नंगी पैरी हाथ विच डोल फड़िया है पर उसनू थले नहीं लमकाया उच्चा चुक के रखिया है मता धूड़ मिट्टी उड़ के उपर ना पै जाए। इतने सिदक प्यार नाल जदों प्रशादा लेके बाबा जी दे चरणा विच पहुंचिया सतनाम दा आवाजा दिता बाबा जी अंदरों आए अते प्रशादा लेके अंदर गए अज चोखा चिर अंदरों बाहर ना आए ते जदों आए तां बड़े प्रसन्न होके कहन लगे शाबाश ज्ञान सिया अज असी बड़े ही प्रसन्न हाँ तेरे ते कि तू ऐसी भावना नाल प्रशादा लिया ते धन गुरु नानक पातशाह ने बड़िया खुशियां वखी ज्ञान सिया ऐसा प्रशादा तू रोज लैके आया है। ज्ञान सिंह चरणा ते पै पिया ते रो रो के चरण धो दिते कि धन बाबा जी तुसी ते धन तुहाडी कमाई मैं की करन जोगा हाँ ये तां सब तुसी कृपा कीती आप ही सिर ते हाथ रख के प्रशादा बनवाया ते आप ही तुसी मेरा कर रहे हो मैं कौन विचारा हाँ। सो गुरमुखो बाबा जी इस बारे समत देंदे सन कि जो सतगुरु नूं भोग लवाउण वास्ते प्रशादा तैयार करना है उसनू बिल्कुल खा के नहीं देखना क्योंकि कईयां दी आदत हुंदी है कि लून मिर्च मसाला देखना पर बाबा जी समत बखदे सन कि इस तरह नहीं करना क्योंकि सुचमता है सुचमता ते सुचमता सुच होवे तां सच पाई। अज संसार ते झूठ ते झूठ प्रदान हो चुका है ते उस झूठ दे वजह करके आपां अज देख रहे हां कि संसार ते आ जिहड़ी बीमारी है हुण उस झूठ तो किन्ना परहेज करना शुरू कर दिता है और सरकारां डंडे नाल कह रही हैं कि किसी नूं झूठा खवाउणा नहीं किसी का झूठा खाना नहीं बल्कि उत्ते खंघना भी नहीं क्योंकि निरंकार की मर्यादा पहले ही यह है। ते बाबा जी यही समत बख्शदे सन ते इन्हां पूर्णियां ते ही चलदे सन कि सोच होवे तां सच पाई। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਓਏ ਰਾਖਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੈਂ। जिस वेले ये श्राप दिता गया तो उसनू पासिया कि मैं हूँ सचमुच राक्षस बनांगा। रसोईया चरणा ते डिग पिया ते कहन लगा जी तुसी श्राप दिता है मैं राक्षस बनांगा पर ये दसो कि मैं हूँ बख्शिया कदों जावांगा। ये भी सेवा दा फल सी जो कि उसके दिमाग ने काम कर लिया कि जे ये श्राप दे सकते हैं बख्शन का भी कोई ना कोई रस्ता दस दे अगर जे बख्शण दा वर ना मिलिया तां फिर पता नहीं किन्नियां जन्म जुनियां विच राक्षस बन के भटकना पवेगा। निमाणा होके जदों तह पिया तां राजे जनक नूं भी तरस आ गया क्योंकि फिर भी रसोईया सी सेवा करदा सी। इह सेवा किसी दी बिरथी नहीं जांदी भावें उह तिल मात्र ही कीती जावे निरंकार किसी दी कीती सेवा अजाई नहीं जाण जांदा क्योंकि वचन है पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले पर ये निशानी निरंकार दी है जा उसदे सच्चे संतां सेवकां भगतां दी है जा फिर जे कोई इंसानियत रखण वाला है तां ओ किसे दी कीती सेवा नूं अजाई नहीं जान दिंदा उसदा मुल जरूर दिंदा है। राजे जनक नूं
रसोईए ते तरस आ गया। कहन लगा तैनू कलयुग दे समय विच कलयुग दे अवतार धन गुरु नानक पातशाह बख्शणगे। बेनती कीती जी मैनू पता किवें लगेगा। आखिया अपने पास एक शीशा रख लिया करे, जदों किसी नूं तल के खाना होवे उस तों पहला अपना मूँह देख लवी, ते जदों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तेरे कोल पहुंचणगे तां उदों गुरु नानक दे दर्शन करन नाल तेरी देह पलट जाएगी अते तू मनुख बन जावेगा ते गुरु नानक पातशाह तेरी कल्याण करेगा। सो जिथे शराब लिया उथे नाल वर भी लिया, अते जदों समा आया मरदाने नूं भुख लगी ते बाबे दे रोकदिया होया भी ना रुकिया, जाके कौड़े दे वस पै गया ते कौड़े ने तेल दा कड़ाहा गर्म कीता अते मरदाने नूं बुक्कल विच लै के बैठ गया कि किधरे भज ना जावे, ते मरदाने दी जान मुठी विच आ गई ते लगा धन गुरु नानक पातशाह अगे बेनतियां करन के बाबा मैनूं बचा लै। उधरों धन गुरु नानक पातशाह ते भाई बाला पहुंच गए तां दूरों मरदाने ने हाल दुहाई पाई के बाबा बचा। बाबे आखे मरदानिया कोई डर नहीं, एक डुबकी ला लै तेल विच सारी खुशकी दूर हो जाएगी, मुड़ सारी जिंदगी तेल लाउण दी लोड़ ना रहेगी। ते जदों मरदाने नूं तपदे तेल विच सुटिया तां तेल दा कड़ाह ठंडा पानी वरगा हो गया। ये देखदिया ही कौड़े नूं ख्याल आया, शीशा देखिया तां सचमुच वो एक मनुख बन चुका सी, चरणा ते कह पिया ते बेनती कीती कि माज मैनूं बख्श दिओ। बाबे आखिया तैनूं बख्शण ही आए हैं, जे बख्शना ना हुंदा तां की लोड़ पई सी सानूं इत्थे आउण दी। तदे तां बाबा नंद सिंह जी महाराज जदों कदे बख्शिश दी धारना सुणदे सन तां एक बित वी सुणना, कौड़ा सी जो कौड़ियां दा लखां दा बना दित्ता, चोर मन होर होए रोए के पुकारिया, सज्जन दे नाम हेठां ठगिया जहान सारा, ठगिया गया आप हाथ कन्नां नूं लगा लिया, कोई शर्म सारी सी जो वली गंधारी ताई, एक हाथ नाल जा पहाड़ी नूं पलारिया, केड़े केड़े दसां जिहड़ी किरती गरीब तारे, उवें किवें तारो जिवें लालो ताई तारिया, तारे गिणे जात है न तारे गिणे जात है, आकाश दे तारे तां गिणे जा सकदे हन, साइंसदानां ने गिण भी दित्ते हन, पर हे गुरु नानक जिन्ने तूं तारे ओह नहीं गिणे जा सकदे। जिसदा मुल रब की दरगाह विच इक कौड़ी नहीं सी पैणा, पर गुरु नानक की कृपा नाल उसका मुल लखां विच पै गया, पर कदों जदों वह निमाणा होके गुरु नानक दे अगे टह पिया। बाबा जी वचन करदे सन, ओ भाई तेरे टहण विच देरी है, गुरु नानक दे बख्शण विच देरी नहीं, अख खोलण ते मीटण विच समा लगता है पर गुरु नानक नूं बख्शण विच समा नहीं लगता, पर शर्त है कि कोई निमाणा होके टह पिया। नानक गरीब टह पिया द्वारे, सज्जन ठग जो धर्म दे बुरके हेठां लोकां नूं लुटदा सी ते फिर मार के सुट देंदा सी, इतने पाप कर रहा सी, अज धन गुरु नानक पातशाह इसदे कोल पहुंचे। सज्जन ने बड़ी सेवा कीती, देखिया मस्तक ते जलाल है, वाकई कोई बहुत धनी आदमी है, इन्हां कोल बहुत धन होवेगा, पर वो ये नहीं सी जानदा कि इन्हां कोल जो धन है मैं उस धन नूं लुट नहीं सकदा। सेवा कर रहा सी, सोचता है जदों रात नूं सो जाणगे फिर लुटांगा ते मार के खूह विच सुटांगा, पर उड़ीकदा ही रहा। धन गुरु नानक पातशाह तां ना सुते ते इस नूं आप नूं नींद आ गई ते एक सुपना देखिया जो बड़ा डरावना है। की देख रहा है कि जिन्हां नूं मैं अज तक लुटिया सी ते मार के सुटिया सी वो सारे इकट्ठे होके इसके दुआले हो गए हैं अते मारो मार करते हैं कि असी इस तों लेखा लेना है, सानू इसने लुटिया मारिया सी। उत्थे फिर इकला सज्जन लुकदा फिरदा है ते रोंदा है, कोई बचाओ कोई बचाओ, पर ठगियां दे मीत चोरियां दे पाईवाल कोई इसके नेड़े नहीं आ रहे। हुण जो सज्जन की हालत है वो बड़ी तरसयोग है, अचानक ही देखिया कि कोई फकीर है वो अगे आ गया ते सब किसे नूं पिछे हटा दिता ते सज्जन नूं छडाया।
ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੋਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕਦਮ ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ? ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੂੰਜ ਵਾਂਗੂ ਪਰਲਾਇਆ, ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਵਲੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵਲੀ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾ ਮਿਟਾ ਦੇਈਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਮਿਟ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ, ਕੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਭਾਵ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਆਂ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ NVI ਨਾਨਕਸਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।